महाराष्ट्र में नया नया सेकुलर का चोला ओढ़े उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना अब खुलेआम हिंदुओं की खिलाफत पर उतर आए हैं। राज्य में अजान और हनुमान चालीसा विवाद के बीच उद्धव ठाकरे की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो हिंदू समाज को मुंह चढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। राज्य में नासिक जिले के प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए परमिशन लेना अनिवार्य कर दिया है। इतना ही नहीं, अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। साथ ही मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा बजाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अब इजाजत लेनी होगी और अजान से 15 मिनट पहले या बाद में इसकी इजाजत ही नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में भी हनुमान चालीसा की इजाजत नहीं होगी। यह आदेश शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिया गया है। वहीं खबर है कि राज्य का गृह विभाग यह आदेश पूरे राज्य में लागू कर सकता है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर गृह विभाग धार्मिक स्थलों पर लगने वाले लाउडस्पीकर को लेकर सर्कुलर जारी करेगा। इसी को लेकर पाटिल और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच एक मीटिंग भी होने जा रही है। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के मुखिया राज ठाकरे द्वारा 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया है, जबकि नासिक पुलिस ने धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के संबंध में 3 मई तक परमिशन लेने को कहा है और अनुमति के बाद वे मान्य डेसिबल में ही स्पीकर बजा सकेंगे। वहीं दीपक पांडे ने बताया कि नियम के अनुसार सभी मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों और अन्य धार्मिक स्थलों को अपने यहाँ स्पीकर लगाने के लिए लिखित आवेदन करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 4 महीने से 1 साल की सजा का भी प्रावधान है। नासिक कमिश्नर के अनुसार हनुमान चालीसा के आयोजन के दौरान पुलिस की टीम भी वहां मौजूद रहेगी। बहरहाल उद्धव सरकार और प्रशासन के इस फैसले के बाद से मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा हमलावर है और इसे एक तुगलकी फरमान बता रही है। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।